प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दीपी वर्ल्ड को और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो आज है 13 सितंबर और इशिका स्कूल जा चुकी है और आज व्लॉग में लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सो इशिका भी स्कूल जा चुकी है, देन आशीष भी ऑफिस चले गए हैं। सो और मेरा खाना वगैरह सब हो गया है, बर्तन सिर्फ नहाना बाकी है। और अभी आज हम क्या क्या करने वाले हैं आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। एंड आज बाहर का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम से क्लाउडी वेदर है आज। धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा वेदर है आज। और आज शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। आशीष के फ्रेंड है, उनके बेटे का 5th बर्थडे पार्टी है। हम सब वहाँ पर जाने वाले हैं शाम को। आप गाइस बने रहिए मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून गाइस, बाय। जल्दी आ दो। चिया स्कूल से आने के बाद अभी मैं इशिका की पढ़ाई ले रही हूँ, ओलंपियड एग्ज़ाम का। वो उसने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है तो वही थोड़ा सा उसको समझाते हुए स्कूल से आने के बाद 5:30 बज गए थे जब भी, तो थोड़ा सा उसको बताना पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी रहता है एग्ज़ाम, तो इसलिए उसको सी फोर्टेशन करवा रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है पढ़ो, क्वेश्चन इज 35 मोर नंबर शो ऑन द गिवन एबेकस इज। सो अभी इशिका इज रेडी फॉर बर्थडे पार्टी। हियर इज योर लुक। और ये व्लॉग लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। Now we are ready to go for the birthday party of my friend's son. Here is Ishika. Hi. She is very excited. Here is Deepika. Hi. And here I. तुम्ही इथे बघू शकता की आम्ही तिघांनी पिंक कलर ड्रेस वेअर केला आहे आणि इथे बाहेरच शूट केला आहे। बर्थडे पार्टीचं जे हॉल आहे तिथून बाहेरचं हा शूट, त्याच्यासाठी आम्ही एक गिफ्ट घेतलं होतं। येस, तसं
तुम्हाला माहित आहे की मुलांना गिफ्ट्स किती आवडतात. जस्ट आम्ही त्याच्यासाठी छानसं एक गिफ्ट घेतलं आहे, मुलाचा बड्डे आहे तर. आणि हा तो बड्डे बॉय अद्वय नाव आहे याचं. खूप गोड आहे हा आणि खूपच मस्ती खूप करतो. जसं त्याची मम्मी सांगत होती मला की हा खूप मस्ती करतो आहे. इथे फ्रेंड यांच्या एक फ्रेंडची वाईफ होती, त्यांच्यासोबत बोलताना मी हा बर्थडे बॉय अद्वे. हा सम डेकोरेशन हॉलचं. त्याला हल्क खूप आवडतो वाटते म्हणून त्याच्यासाठी तो स्पेशल तो केक आणला आहे हल्कचं. आणि हा डेकोरेशन छान. त्याचं फोटोशूट पण केलं होतं वाटतं तर एकदम सुंदर त्याचे फोटोज आले आहेत तिथे. त्याला डेकोरेशनमध्ये खूप छान पद्धतीने त्याला त्याचं फोटोजचं यूज केलेलं आहे इथे. आणि हे त्याची मम्मी आहे आणि त्याचे पापा, त्यांचे आजोबा अद्वयचे. त्याची आजी आलेली आहे आता. मी इशिकाला म्हटलं तिथे जा पण ती काही नाही म्हणाली. मम्मा मी नाही जात म्हणत होती. इशिका थोडीशी शाय आहे. कधी ते त्याला भेटली नव्हती ना म्हणून ती थोडंसं शाय फील करत होती. नाही तर ती आपल्या कझनमध्ये खूप छान खेळते, त्यांच्यासोबत राहते वगैरे. हे एंट्री, बर्थडे बॉयची एंट्री. Thank you.
वेट, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कितने साल के हो गए आप? पाँच साल के। अब मेरे को पाँच। कसं वाटत आहे तुम्हाला, तुमचा मुलगा 5 वर्षाचा झालाय? फार छान वाटत आहे, दिवस कसे गेले कळलेच नाही, मस्ती भरपूर करते अरे हो ना, करेल कमी करेल सो हॅलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम फंक्शन से आ गए, हम मीन्स मैं और इशिका। आशीष हमको ड्रॉप करके फिर से चले गए वहाँ पर, क्योंकि सब फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके वहाँ पर, और उनका अभी खाना भी होने का था वैसे, इसलिए वो सारे सब मिलकर अभी रुके हैं साथ में, जो लास्ट का पैकअप वगैरह सब हेल्प करवाने के लिए। और इशिका सो गई है, उसने चेंज किया और फटाक से वो सो गई है, क्योंकि कल स्कूल है मॉर्निंग में। और बस, और अच्छा हुआ फंक्शन, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था। और हम पहले पुणे में रहते थे, शादी के बाद एक साल में पुणे, एक तीन मंथ मैं अमरावती में रही, जो कि मेरा ससुराल है अमरावती। और फिर उसके बाद हम पुणे में शिफ्ट हो गए, पुणे में आशीष का जॉब था वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में, सो वहाँ पे वो जॉब करते, तो इसलिए तो हमें पुणे शिफ्ट होना पड़ा। सारे हम, मेरे इन लॉज, मैं, वहाँ पर हमने फ्लैट लिया था 2 BHK, तो हम वहीं पे रहते थे। करीब 6 साल हम पुणे में रहे, और जब जिया हुई तो डिलीवरी के लिए मैं नागपुर आई, और फिर उसको भी लेके हम पुणे में, उसके भी, उसने भी 5 साल उसने पुणे में निकाले हैं, जिया ने, इशिका ने, उसका निकनेम है चिया, तो घर पे हम सब उसको चिया बुलाते हैं। और तो फिर वहाँ पर जॉब था, 6 साल हम पुणे में रहे, देन कोरोना के वजह से फिर हमने नागपुर में शिफ्ट कर लिया, सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब इधर ही है, तो इसलिए हमने फिर नागपुर शिफ्ट कर लिया है। और कोरोना के 1-2 साल अमरावती रहे पहले, 2 साल, और देन हमने फिर नागपुर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा है वो यहाँ पर अकेले पड़ जाते थे, दैट्स वाई उनकी भी देखभाल हो जाती है। और सारा सब यहीं पे है, और आगे इन द फ्यूचर इधर ही सब शिफ्ट होना था, तो दैट्स वाई हमने नागपुर ही बेस्ट समझा। और यहाँ पे ही हम अभी, आशीष उनका खुद का बिजनेस है, वो स्टिकास रिसर्च करके डिजिटल मार्केटिंग में, उनका खुद का है साइट, और वो खुद ही चलाते हैं बिजनेस उनका। और जो उनके भाई है, कज़न, तो उनके साथ, और उनकी फ्रेंड्स है, बट वो अभी कैसे मिक्सअप हो गए, तो उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना, तो हमें भी इनवाइट कर लेते उन लोग, तो हम आशीष के भी अच्छी फ्रेंड्स हो गए, अच्छे।
बात उत करने में सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं इनके, और अच्छा रहा फंक्शन। और जो उनका बेटा है जिसका बर्थडे था, वो बहुत मस्ती करता है इसलिए तो अच्छा था ओवरऑल फंक्शन। उनकी मम्मी से भी बात वगैरह की तो बहुत अच्छा नेचर है उनका भी। और बस अभी इनका वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। वैसे 1 बज रहा है अभी, और ऐसा था आज का फंक्शन। सो बताइए और लाइक करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, और बी पॉजिटिव बी हैप्पी। गुड नाइट फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दीपी वर्ल्ड को, और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए।